binomial theorem for positive integer index. Binomial theorem for positive integer index. Binomial theorem for positive integer index. BT for positive index, integer index. तो आप ये देखिए कि जस्ट वहीं से शुरुआत करें जो कि आप लोगों को ढंग से मालूम है. x प्लस ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ये हमारे पास कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स. ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं. तो जिस एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं यहां पर, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, वो क्या है, एक्स प्लस ए की पावर एन के बारे में बात कर रहे हैं. वेयर ये बाइनोमियल हो गया, मतलब टू टर्म्स उसमें इन्वॉल्व है, और उस पर पावर क्या है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स. ये इंडेक्स है एन, क्या है, एन इज एलिमेंट ऑफ आई प्लस. समझ गए ना, बात समझ में आ गई. तो ये हमें मालूम है, और भी हमें एक्सपेंशन मालूम है कुछ. एक्स प्लस ए का ध्यान समझिए, एक्स प्लस ए की पावर क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एक्स प्लस थ्री ए एक्स स्क्वायर. समझ गए ना. तो ऐसे ही अगर मैं मान लो कभी 10 की जरूरत पड़ती है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं. तो उसमें क्या है कि हम इसका एक एक्सपेंशन रहता है जो कि हमें याद भी रखना है और उसके बारे में समझेंगे भी हम. ढंग से देखिए, अगर हम एक्स प्लस ए की पावर 2 इसके एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके एक्सपेंशन में सेम पावर के टर्म्स को ऐड भी कर दें. मतलब x प्लस ए की पावर 2 है तो अगर हम ऐसे लिखते x1 प्लस x2 की पावर 2 तो इसमें कितने टर्म्स आते, ओवरऑल एक्सपेंड नहीं करें तो हमारे पास कितने आएंगे, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 x2 x1 x2. समझ गए ना. लेकिन सेम पावर है इस टाइप के जो टर्म्स हैं उनको सम करके भी लिख दें अगर हम, तो आप यहां पर ऑब्जर्व करिए, यहां पर पावर 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3. मतलब सेम पावर के टर्म्स को ऐड करके भी लिख दिया है. जैसे ए एक्स आया, ए एक्स आया तो वो कितना आ गया, 2 ए एक्स. गॉट इट. तो आप इसे ऐसे ऑब्जर्व करिए कि वेन वी एक्सपेंड एक्स प्लस ए की पावर 2 और इसे हम अगर एक्सपेंड कर रहे हैं, ढंग से समझ रहे, और सेम पावर के कॉफिशियंट अगर ज्यादा बार आ रहे हैं तो उनको भी ऐड करके लिख देते हैं. जैसे ए एक्स, ए एक्स दो बार आया तो उसे हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 ए एक्स. तो इसके एक्सपेंशन में इस टाइप के कितने टर्म्स आए, 1 2 3. समझ गए ना, ये ऑब्जर्व करना चाहिए आपको. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ऑब्जर्व हमने कर रहे हैं कि एक्स और ए चल रहा है तो यहां पर ए की पावर 0 है, यहां पर x की पावर 0 है, तो इन तीनों टर्म्स में x और e की पावर का सम कितना आ रहा है, 2. गॉट इट. a की पावर बढ़ रही है और e की पावर कम हो रही है, लेकिन a और x की पावर्स का सम कितना आ रहा है, a और x की पावर का सम कितना आ रहा है, 2. ये बात समझ में आई, ये समझ में आया कि नहीं. नाउ कंसंट्रेट करिए, क्यूब पे आते हैं हम, तो कितने टर्म्स आए, ये पावर 3 थी, हमें नहीं मालूम था इसमें 4 टर्म आएंगे. हमने तो तुक्का मारा कि 2 थी जब पावर, 2 थी जब पावर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, 2 प्लस 1. तो अगर हमें इसे एक्सपेंड करना भी नहीं आता तो हमने एक लॉजिक लगाया है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे,
4, got it? जब हमने एक्सपेंड किया तो देखा नंबर ऑफ टर्म्स जिस टाइप की हम बात कर रहे हैं वो कितने आ गए, 4 आ गए. अगेन यहां पर हमने दूसरी बात जो ऑब्जर्व की थी कि एक्स और ए की पावर का सम कितना आ रहा है हर टर्म में, 2. तो और ए की पावर कम होती हुई जा रही थी और ए की पावर बढ़ रही थी. कोफिशियंट के बारे में बात नहीं की, वो अलग लगा सकते हैं. तो यहां पर देखिए एक्स की पावर क्यू वाई, ए की पावर 0, ए की पावर क्यू वाई, एक्स की पावर 0, एक्स स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर और एक्स पावर सम कितना आ गया 3, ए की पावर 1 और एक्स की पावर 2 सम कितना आ गया 3. समझ गए ना, बात समझ में आई ना, ठीक है ना. तो ओवरऑल जो हमारे पास कंक्लूजन आया कि अगर हम ओनली इन दो की हेल्प से ही बात करें और हम इसके एक्सपेंशन को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि एक्स प्लस ए की पावर एन, ठीक है ना, तो एक्स की पावर कहां से कहां तक जाएगा, एन से लेके 0 तक. ए की पावर बढ़ती जाएंगी, ए की पावर कम होती जाएंगी और एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, एन, फिर एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू ए, फिर एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, और एंड में क्या आएगा, ए की पावर एन. लेकिन उनके कॉफिशियंट कुछ भी हो सकते हैं. बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात समझ में आई. तो इसके एक्सपेंशन के बारे में हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर वी एक्सपेंडेड देन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितने आ गए, एन प्लस 1 एंड पावर ऑफ 1 इज इंक्रीजिंग एंड पावर ऑफ अदर इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज फ्रॉम 0 टू एन एंड आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 0 टू एन. ये लिख लो, हमें एक्सपेंशन नहीं मालूम है. नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म इक्वल टू एन प्लस 1. पावर ऑफ वन टर्म इज इंक्रीजिंग एंड सेकेंड टर्म डिक्रीजिंग, इंक्रीज फ्रॉम 0 टू एन एंड डिक्रीज फ्रॉम एन टू 0. ठीक है, बात समझ में आई ना. थोड़ा सा एक दो क्लास के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉफिशियंट भी हम कैसे निकालते हैं, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा आइडिया दूंगा. ये बात समझ में आ गई, इतना समझ में आया. अब इनकी वैल्यू कितनी होती है ये मैं बता देता हूं. इसका एक्सपेंशन क्या रहता है ढंग से देखिए, आप नोट कर लीजिए, एक्स प्लस ए की पावर एन, इसके एक्सपेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एन सी 0 एक्स की पावर एन प्लस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 ए प्लस एन सी 2. ए की एक्सपेंशन ध्यान रखो वही काम का है, वो तो काफी सकते हैं, एन एन माइनस 2 ए की पावर 2 अप टू एन सी एन ए की पावर एन. गॉट इट. ये कैसे आते हैं कॉफिशियंट ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आई थिंक इतना समझ में आना चाहिए आपको कि एक की पावर डिक्रीज हो रही है और एक की पावर इंक्रीज हो रही है और इनकी कॉफिशियंट क्या हैं. बात समझ में आ गई. अगर हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहें इस एक्सपेंशन को तो हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा समारा है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर. आर की वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है, आर इक्वल टू 0 टू एन. ये हमारे पास है एक्स प्लस ए की पावर एन का एक्सपेंशन.
ये आपको याद भी होना चाहिए। इस टर्म को हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सा टर्म आएगा इस एक्सपेंशन में, कौन सा टर्म आएगा, आर प्लस वंथ टर्म। फर्स्ट टर्म में जीरो आ रहा है, सेकंड में वन आ रहा है, थर्ड में टू आ रहा है, तो टी आर प्लस वंथ कितना आएगा, एनसी जीरो एक्स की पावर, नहीं एनसी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ई की पावर आर। समझ आ गया ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा टी आर प्लस वन आर इक्वल टू जीरो टू एन, इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस ए की पावर एन। समझ गए। अब जो आगे की बात है यहीं से शुरू करेंगे, ये आपको याद रखना है, एलिमेंट्री आइडिया मैंने इसका आपको दिया है। एक्स प्लस ए की पावर एन में एन प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और एक की पावर इंक्रीज कर रही होंगी और दूसरे की पावर डिक्रीज कर रही होंगी, और उनके जो बाइनोमियल कोफिशियंट कहते हैं एनसीआर जो आता है, इसके बारे में अभी बात करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशियंट्स। समझ गए ना, बात समझ में आ गई, ये समझ आया। तो फाइनली जो आपको याद करने लायक बात हो गई है वो क्या है, एक्स प्लस ए की पावर एन इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा ए की ध्यान रखो और प्रॉपर्टी याद कर लेंगे, आर इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ठीक है ना। और इसे ही हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, टी आर प्लस वन और ए की पावर इंक्रीज हो रही है, ए की पावर डिक्रीज हो रही है, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन प्लस वन, ये मैंने आपको अभी तक बताया। हर टर्म में एक्स और ए की पावर के सम कितना आएगा, एन, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो यहां पर एनसीआर सिंबल होता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि एनसीआर सिंबल होता क्या है, एनसीआर सिंबल आ रहा है कई जगह, इसकी सबसे करेक्ट वर्ड लिखिए, ये हमेशा क्या आएगा, इट इज नंबर लिखिए, हियर एनसीआर सिंबल डिनोट द नंबर ऑफ वेज, डिनोट द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स, जैसे इतने बड़े वर्ड को नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स, इसको बार बार तो लिख नहीं सकते मैथमेटिक्स में, सिंबल का यूज करते हैं, तो इस पूरे के लिए जो सिंबल यूज होता है वो क्या होता है, एनसी आर, और बिकॉज इट इज नंबर ऑफ वेज तो इसके आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर, नंबर ऑफ वेज क्या होगा, इंटीजर ही आएगा ना, पॉजिटिव इंटीजर, बात समझ में आ गई ना, ये समझ आया। इसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम फैक्टोरियल इसकी वैल्यू की बात करें तो फैक्टोरियल आर, ये कैसे क्या, इसका मतलब क्या होता है, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू डॉट 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 आर, या कई बार इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई एक्स एक्स इक्वल टू वन टू आर, ये भी क्या है, फैक्टोरियल आर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इंटीजर्स फ्रॉम वन टू आर इज नोन एज फैक्टोरियल आर। तो इस सिंबल की वैल्यू कितनी आती है, एनसीआर की वैल्यू कितनी होती है,
फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। बात समझ में आई ना ये? तो जो x प्लस ए की पावर n इक्वल टू r इक्वल टू जीरो टू n एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r, ये जो एक्सपेंशन है इसमें जो सिंबल आ रहा है एन सी आर, इसका मतलब क्या है? इस सिंबल से हम क्या कह सकते हैं, यहां से आउटपुट हमेशा क्या होगा? इंटीजर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसे। कर लिया। अब मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं तो सब डिस्टिंक्ट ही होंगे, तो उनमें से 10 हमें सिलेक्ट करने हैं। तो जब आप 10 सिलेक्ट करेंगे, ढंग से समझना, मतलब वो जो फंडा होता है कि क्या होता है उसे छोड़ो, अगर हमने इसमें से 10 सिलेक्ट किए तो दूसरी प्रोसेस क्या हुई? अपने आप ही 20 सिलेक्ट हो गए, मतलब दूसरी तरफ हो गए ना, मतलब सिलेक्ट जितने तरीके से 10 सिलेक्ट हो सकते हैं उतने तरीके से 20 भी सिलेक्ट हो सकते हैं। मतलब जब हम एक तरीका सिलेक्ट करेंगे 10 को सिलेक्ट करने का, तो साइमल्टेनियसली से दूसरी तरफ कितने बचेंगे? 20। तो ऐसा जितनी बार ए के संग होगा उतनी बारी, मतलब 20 वालों के संग भी हो जाएगा, 10 वालों के संग होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? लॉजिक से भी हम ये कह सकते हैं कि एनसीआर की वैल्यू किसके बराबर आती है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन माइनस आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। मतलब नोट कर लो ढंग से, लॉजिकली समझ आ गया कि जब जब हम आर सिलेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एन माइनस आर अपने आप ही सिलेक्ट हो रहे हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन माइनस आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। बात समझ में आई ना? लॉजिकली मैंने बता दिया। मैथमेटिकली भी अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। और अगर हम एन सी एन माइनस आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर दैट कन्वर्ट इंटू आर। तो भी दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो बाइनोमियल कोफिशियंट्स कहते हैं ने, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आउटपुट इंटीजर आएगा, और आउटपुट अगर इंटीजर आ रहा है, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। समझ गए ना ये? समझ आ गया? फर्स्ट में ही लिखना, अगर हम एनसी जीरो के बारे में बात करें तो एनसी जीरो की वैल्यू कितनी आएगी? कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे या फिर पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। या एक भी सिलेक्ट नहीं कर रहे या फिर पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं, समझ गए ना? बात नहीं करिए, या तो एक भी सिलेक्ट नहीं कर रहे
या पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन। फर्स्ट में ये लिख लीजिए एनसी जीरो इक्वल टू एनसीएन इक्वल टू वन। कर लिया। एक प्रॉपर्टी ये लिखिए एनसीआर, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ये रूल है, इसे कई बार पास्कल्स रूल भी कहते हैं। देखिए जरा बताना है क्या, इसकी वैल्यू तो हमें मालूम ही है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अलग से लिख लेते हैं। इस साइड की वैल्यू कितनी होगी है ढंग से देखना, फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर, इतनी आएगी ना। अब इसमें जो मेन प्रॉपर्टीज इसका हम यूज करने वाले हैं, जैसे टू है फोर है उसमें फैक्टोरियल फाइव में अगर फाइव का मल्टीप्लाई कर दें, फैक्टोरियल फोर में अगर फाइव का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बन जाएगा फैक्टोरियल फाइव। तो ये तो इस साइड की वैल्यू है, इसे मैनिपुलेट करके लेफ्ट हैंड साइड को हमें इसके बराबर लेके आना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस, बहुत ध्यान से देखना अगला स्टेप थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन। अब हमें जो रिक्वायर्ड है ढंग से देखना, वो हमने सब कॉमन ले लिया, एक स्टेप में ही आ जाएगा। रिक्वायर्ड क्या है, फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन में क्या रिक्वायर्ड है, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, ये रिक्वायर्ड है। अब ढंग से देखना, पहले टर्म में हमारे पास क्या था, फैक्टोरियल एन तो था लेकिन हमने बाहर क्या ले लिया, बाहर क्या लिया है एन, फैक्टोरियल एन प्लस वन, तो अपॉन में क्या आ गया एक्स्ट्रा एन प्लस वन, तो इससे कोई टेंशन नहीं है। अब फैक्टोरियल आर है वो बाहर ले लिया, इससे भी कोई टेंशन नहीं है। एन माइनस आर है लेकिन हमने लिया क्या है बाहर, एन माइनस आर प्लस वन, तो फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन में कब कन्वर्ट होगा, जब एन माइनस आर प्लस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा होगा तभी तो होगा। तो हमने क्या किया, एन माइनस आर प्लस वन ऊपर आएगा, बात समझ में आ गई ना, तो इसका काम तो हो गया। दूसरे में क्या है, प्लस फैक्टोरियल एन है चाहिए क्या, फैक्टोरियल एन प्लस वन, तो अपॉन में क्या आएगा एन प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन है ही है कोई टेंशन नहीं है, और फैक्टोरियल आर माइनस वन है यहां पे चाहिए क्या आर, तो आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया। तो इट इज वेरी सिंपल, जब हम एलसीएम लेंगे तो एन प्लस वन आया, ऊपर आर से आर हट गए एन प्लस वन दैट इज वन, तो और ये हमें किसके बराबर है, एक ही स्टेप में आ गया अगर ढंग से किया तो, इसके बराबर आ गया। ढंग से नोट कर लो, नोट कर लीजिए सही तरह से, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर।
most important result for binomial coefficient. इतना समझ आया ना? आगे देखिए, ये भी आपको याद रखना चाहिए, सिग्मा एनसीआर आर इक्वल टू जीरो टू एन मींस एनसी जीरो प्लस NC1 plus NC2 up to dot 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 NCN. इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2 की पावर n. ये भी याद रखना चाहिए. Sum of all binomial coefficients plus NC0 भी होगा. C0 plus C1 plus C2 plus C3 up to dot 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 CN is equal to 2 raised to N. लिख लिया? इसको explain करते हैं थोड़ा सा. इसको तो उसी के हेल्प से explain कर देंगे. Identity है वो. ढंग से समझना है रहा. Expansion लिख रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना. X plus a की पावर n, इसका जो एक्सपेंशन है वो आइडेंटिटी है. जैसे x प्लस a क्या होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax. ये कोई इक्वेशन तो है नहीं, ये x की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, a की भी. तो इसका एक्सपेंशन कितना आता है? nc 0 x की पावर n प्लस nc 1 x की पावर n माइनस वन ए प्लस एनसी टू एक्स की पावर n माइनस टू ए स्क्वायर. और n कहां पर जाके होगा? एनसी एन और a की पावर n. तो इट इज वेरी सिंपल बिकॉज लिख लो जरा एक्सपेंशन, लिख लो ढंग से, याद ही होगा एक बार लिखेंगे तो. काफी आसान होता है, किसी भी पैटर्न में लिखते हैं. एक की पावर इंक्रीजिंग और एक की पावर डिक्रीजिंग के टर्म्स में लिखते हैं. और किसी एन से जीरो, ये दोनों तो सेम ही होते हैं ना, तो एक किसी भी तरफ से आप ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. मल्टीप्लाई कर दीजिए. कर लिया? अब लिखो स्टेटमेंट. बिकॉज इट इज दिस एक्सपेंशन इज एन आइडेंटिटी. Because it is an identity, valid for all values of a and x, valid for all values of a and x, तुम कैसे करेंगे? X equal to a इक्वल टू वन रख दो तो इधर क्या बनेगा? 2 रेस टू n. इधर क्या बन जाएगा? c नॉट प्लस c1 प्लस c2 डॉट 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 cn. वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम प्रूव करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन ये आपको याद भी रखना है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट 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 NCN, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2 की पावर n. समझ आ गया ना? समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट लिखिए.
इसे भी याद रखिए, फिर सेकंड में बताएंगे। ये देखिए सी नॉट स्क्वायर एन सी नॉट स्क्वायर प्लस एन सी वन स्क्वायर प्लस एन सी टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन स्क्वायर बाइनोमियल कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, इसकी वैल्यू आती है 2n सी एन। इसकी वैल्यू कितनी आती है 2n सी एन। ठीक है ना, लिख लो जरा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा देखते हैं, चलो मतलब सिग्मा याद भी करना है इसे, एन सी आर स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो टू एन, इसकी वैल्यू कितनी आती है टू एन सी एन। नाउ कंसंट्रेट हियर, कैसे हम जाएंगे मुझे ये बताइए, जैसे x प्लस ए की पावर n, ये हमारे पास कितना है सिग्मा r इक्वल टू जीरो टू n एन सी आर, किसी की भी पावर कम कर दो किसी की भी ज्यादा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की पावर आर ए की पावर एन माइनस आर या ए की पावर आर एक्स की पावर एन माइनस आर, तो इंक्रीजिंग आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताइए कि अगर हम वन प्लस एक्स की पावर एन या एक्स प्लस एन की पावर इसके एक्सपेंशन के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है आप में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये किसके बराबर होगा, बस एक ही है और इसकी पावर कैसे होती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक ही तो टर्म है इसका एक्सपेंशन इतना आ जाएगा, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है इस एक्सपेंशन में, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कोई टेंशन है नहीं, एक ही टर्म है उसकी पावर बढ़ती जाएगी और कोफिशियंट इधर से लिखो या इधर से लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, समझ गए ना। अब टारगेट क्या है अपना, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, टारगेट ये है कि बाइनोमियल के कोफिशियंट का स्क्वायर का सम निकालना है, वैसे तो आपको याद भी रखना है लेकिन आना भी चाहिए, टेक्निक भी काफी इंपॉर्टेंट है प्रूव करने की, ढंग से देखना, वन प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू है हमारे पास सी नॉट प्लस सी वन एक्स सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 सी एन एक्स की पावर एन, ऐसा है। अब सी एन सी नॉट के बराबर होता है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए इसके एक्सपेंशन को और हम कैसे लिख सकते हैं, या एक्स को इधर कर दीजिए, एक ही बात है, वन प्लस एक्स की पावर एन इसके भी बराबर होगा सी नॉट एक्स की पावर एन प्लस सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट 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 सी एन, ऐसा भी होगा, एक ही बात है, या तो एक्स को इधर कर दो और वन को इधर कर दो, अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो सी एन किसके बराबर होता है सी जीरो, सी एन माइनस वन किसके बराबर होगा सी वन, बात समझ में आई कि नहीं। अब एक एलोपैथिक और एक होम्योपैथिक, दोनों के दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बुखार ठीक हो जाएगा, है
ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो फिर मल्टीप्लाई करने से कुछ फायदा होगा? अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होती हैं, इसलिए ये टेक्निक मैं अभी बता रहा हूं, थोड़ा बाद में और डिटेल में बात करेंगे। देख रहे हैं, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो क्लियर कट मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक है ना। इधर भी बहुत ज्यादा टर्म्स आएंगे। मुझे ये बताइए कि x की पावर n कहां कहां से आएगा? सी नॉट का मल्टीप्लाई इस टर्म से होगा तो कितना आएगा, सी नॉट स्क्वायर होगा कि नहीं? इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना आएगा, सी नॉट स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया तो सी नॉट सी वन आ गया, लेकिन x की पावर कितना आया, n माइनस वन। ऐसे तो बहुत टर्म आते रहेंगे, हम क्या चाह रहे हैं कि x की पावर n का कोफिशियंट और कहां से आएगा? अगर इसका मल्टीप्लाई किससे हो, सी वन एक्स का, सी वन एक्स की पावर n माइनस वन, तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना आ जाएगा, सी वन स्क्वायर और x की पावर n, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाए तो कितना आया, x की पावर n। तो अगर मैं राइट हैंड साइड में जहां लंबी सी लाइन मतलब बहुत सारे c नॉट c वन ये लिखे हैं, राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन के बाद x की पावर n का कोफिशियंट कितना आएगा, c नॉट स्क्वायर प्लस c वन स्क्वायर प्लस c टू स्क्वायर डॉट 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 सी एन स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना, ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना, बात समझ में आई, ये चीज समझ में आई कि नहीं? इन दोनों को लिखिए पहले, फिर मैं बताता हूं वैसे लिखना। लिख लिया, लिख लिया, अब नोट करिए रे, द कॉफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन इज सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर डॉट 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 सी एन स्क्वायर। मस्ट बी इक्वल टू कॉफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन, मस्ट बी इक्वल टू कॉफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर टू एन। बात समझ में आई ना भाई, इनका मल्टीप्लाई इधर किया तो इतना आया, तो इधर से जो एक्स की पावर एन का कोफिशियंट है, इधर से जो एक्स की पावर एन का कोफिशियंट है, दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। तो मुझे ये बताइए, वन प्लस एक्स की पावर टू एन में एक्स की पावर आर का कोफिशियंट कितना आएगा, टू एन सी आर एक्स की पावर आर, यह आएगा। तो एक्स की पावर एन का कोफिशियंट कितना आ जाएगा, टू एन सी एन, कोई डाउट? अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे, एन की जगह टू एन लिख दो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो एक्स की पावर आर का कोफिशियंट कितना होता है, सी ऊपर भी देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, सी टू एक्स, लेकिन यहां पे एन सी वन है, एन सी टू है, क्योंकि एक्स की वन प्लस एक्स की पावर एन है। तो वन प्लस एक्स की पावर टू एन में एक्स की पावर एन का कोफिशियंट कितना आ जाएगा, टू एन सी एन, समझ गए ना?
ये टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है कॉफिशियंट कंपैरिजन की. हमने मल्टीप्लाई किया और कॉफिशियंट्स को कंपेयर किया. बात समझ में आ गई ना? मल्टीप्लाई किया और कॉफिशियंट्स को कंपेयर किया. इसके बारे में और भी बात करेंगे, काफी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होती है. अभी सिंपल सी इस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं. इसके प्रूफ को मैंने बताया आपको, एन सी आर आर इक्वल टू जीरो टू एन, और इसका स्क्वायर है, ये हमारे पास कितना होता है, टू एन सी एन. गॉट इट? समझ गए ना? ये तो अभी तक क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हो चुकी है. x प्लस ए की पावर n, ये कितना होता है, सिग्मा, बताइए कोई, r इक्वल टू जीरो टू n एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r. ठीक है, वेयर एनसीआर क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स एंड इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर एंड इक्वल टू एनसी एन माइनस आर. और एनसी जीरो कितना होता है हमारे पास, वन, और एन सी एन भी कितना होता है, वन, ये पता है. इसके बाद जो बात की है हमने पास्कल्स रूल से, कुछ बताया, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर. समझ गए ना? बात समझ में आ गई ना? इसके बाद एक एक्सपेंशन को आइडेंटिटी बना के नॉर्मल सी प्रॉपर्टी की बात की है. एनसीआर, आर कहां से कहां तक जा रहा है, जीरो से एन तक, मींस एनसी जीरो प्लस एनसी वन अप टू डॉट 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 एनसी एन, इसकी वैल्यू कितनी है, टू की पावर एन. एंड लास्ट वन जो बात की है एनसीआर, इसका स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो टू एन, इसकी वैल्यू कितनी आती है, कॉफिशियंट कंपैरिजन से आई है, कितनी आई है, इट इज सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर डॉट 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 सी एन स्क्वायर एंड इक्वल टू टू एन सी एन. ठीक है ना? तो ये सब बातें मैंने अभी आपको बताई हैं.